नहीं करेगी। जनता भी माफ नहीं करेगी। सुन ले बात, भगवान को वोट की राजनीति, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। हम आएंगे तुम्हारे बीच, वो आएंगे, वो तुम्हें थाने के नाम पर लाएंगे, वो तुम्हें जाति के नाम पर बनाने की कोशिश करेंगे। तुम अड़े रहना, तुम्हारा एक ही खत्म है, कौन सा धर्म? हम कर्जे वाले हैं, हमारी एक ही जाति है, कौन सी जाति? कर्जे वाले हैं। और एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। आगे की रणनीति बता देता हूं, अगर 2023 8 सितंबर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी को जो जो राय देंगे वो जनता के सामने रखी जाएगी, जो पार्टियां इस मुद्दे का समर्थन करेंगी हम उन पार्टियों का साथ देंगे, और जो पार्टियां समर्थन नहीं करेंगी हम उन पार्टियों का साथ नहीं देंगे। हम उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, हम राजनीतिक क्रांति करेंगे, हम जीते ना जीते हम उन्हें हराएंगे। तैयार समर्थन नहीं करेगा? और उम्मीदवार कौन होंगे? उम्मीदवार ये नहीं होंगे, उम्मीदवार ये लोग होंगे जनता से इस बार उम्मीदवार चुने जाएंगे। तैयार है? 547 सांसद चाहिए, तैयार है? केंद्र और तैयार आप खड़े को संसद में लाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन 2024 में जनता चुनकर भेज देता हूं। कितने लोग तैयार है? जाओ अपने क्षेत्र में तैयार करो, मैं तुम्हारे क्षेत्र का, मैं तुम्हारे खाओ चाय बनाओगे, बस चाय बना देना, मैं खाने के दौरान मैं भूख बता दूंगा, खाने के बाद भी खाना नहीं खा रहा, तुम्हारे लिए मैं आऊंगा। कल से राजनीति राष्ट्र की शुरुआत है, हमें यहाँ भूलना चाहिए। भारत माता की ऐसे नहीं, संसद का बात है, हम नहीं जा रहे हैं, रास्ता चले जाए। भारत माता की जय। जनता आ रही है, जनता आ रही है सदन में बैठने के लिए। अभी आपके पास 8 महीने का समय है, या तो 8 महीने में इन्हें कर्जा मुक्त कर दीजिए, वरना हम खुद जाकर के अपना कर्जा माफ करवाएंगे, और हर उस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाएंगे जिसके खुद के ऊपर कर्जा हो, ताकि वो दूसरे का दुख दर्द समझ सकता हो। ऐसे व्यक्ति उम्मीदवार बनेगा, हमारे उम्मीदवार नहीं, आपके उम्मीदवार, इनमें से जिस पर कर्जा हो उसी को देंगे मौका, ताकि कि जनता का दर्द समझ सके, वहां जाकर के जनता का दर्द दूर कर सके। और जो लोग कहते हैं राजनीति है, बोल देना हाँ भैया राजनीति है, समस्या राजनीति है, समाधान भी राजनीति से निकलेगा। और जो ये कहेंगे राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसे बोलो जाके शिकार बने राजनीति का, हम शिकार बनने वाले नहीं है, हम राजनीति का हिस्सा बनने वाले हैं। और ये बात है, जब मुझसे लोग कहते हैं मिलते हैं, कहते साहब क्या सर्टिफिकेट बता रहा हूँ, क्या सर्टिफिकेट कर्जा माफ हो जाएगा? अगर आपको सर्टिफिकेट मिल भी गया और आप संगठित नहीं हो तो कर्जा माफ नहीं होगा। ध्यान रखना, संगठित होना पड़ेगा। ये लोग जो अपनी अपनी निराय ले रहे हैं, इनकी शक्लें पहचान लो, जाति लोग हैं, सिर्फ अपनी निराय लड़ना चाहते हैं, अपनी निराय नहीं लड़नी, सबकी निराय लड़ेंगे, सामूहिक रूप से निराय लड़ेंगे। मैं जब कह रहा हूँ मैं तुम्हारे घर आकर के तुम्हारा सर्टिफिकेट दूंगा, ऐसे बड़ा कमिटमेंट चाहिए कोई? मैं तुम्हारे घर आकर के दूंगा यार, मैं तुम्हारे घर आकर के और तुम्हारे एरिया में दूंगा आकर के। जब आप अच्छा कर लेंगे, इतने सारे लोग आएंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी इतने सारे लोग आएंगे, और हम देखते हैं कि हर कितने लोग हैं, कितनी लाइन लगेगी सड़कों पर लोग हैं। अब ये बात समझ लीजिए कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो जनता का खून चूसना बंद कर दें, जनता परेशान है, जनता की दिक्कतों को दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी। मैं भी भूखा हूँ सुबह से, मैंने भी पानी नहीं पिया,
एक रुपए किसी से नहीं ले रहा हूं और किसी से भी लेकर नहीं जाएगा और यदि कोई कदम उठती है यहां पर रजिस्ट्रेशन के नाम पर फाइल चला गया और सर्टिफिकेट के नाम पर अगर आपसे पैसा मांगे तुरंत उसकी भी किसी ने कंप्लेंट कर देना वो व्यक्ति हमारा व्यक्ति नहीं है किसी को एक रुपया भी नहीं देना चार महीने के अंदर बात खत्म होगा इस महाराज की पार्टी का आगाज होगा फिर खुद के माध्यम से आगाज किया जाएगा और हम शाम को चार बजे तक बैठे हैं जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आप सब लोग की जगह बैठ जाएंगे चार बजे तक कार्यक्रम चल रहा है मैंने बता दिया चार बजे तक शांत को बैठे रहेंगे आप सबके सर्टिफिकेट आपके घर पर पहुंचवा दिए जाएंगे आपके एरिया में पहुंचवा दिए जाएंगे सारी जानकारी फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी आप सबके एड्रेस है मेरे पास जिन लोगों के फॉर्म भरे हुए सबके एड्रेस है जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा किसी के झांसे में मत आइए कि कोई पैसा देकर के आपको सर्टिफिकेट दिलवा देगा पैसा देकर कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट इशू तो हमारा नारा है नारा रहेगी जनता का करता माफ जनता का करता माफ